प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद। आज की सुबह फिर परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर समय दिया उसकी हजूरी में आकर उसको धन्यवाद करने के लिए। और आए आज के सुबह में आपके बीच में हम जीवित कलाम परमेश्वर का वचन से हम लोग थोड़ी देर मनन करेंगे। याकूब की किताब उसकी 4 अध्याय उसकी 8 आयत हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषितों लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। और यहां से आज मैंने बोलने का शीर्षक दिया गया है, परमेश्वर के करीब में आना। गेट क्लोजर टू गॉड, परमेश्वर के करीब में आना। सचमुच में हमारा जिंदा खुदावन ये चाहता है उसके बच्चे, उसके बेटा बेटी उसके नजदीक में आए और उसके साथ में रिश्ता करे और उसके साथ में दोस्ती करे। परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आज यहां से जब हम देखते हैं तो सच में दुनिया में बहुत सारे लोग आज परेशान में हैं, मुश्किल में हैं, कठिनाई में हैं, पर भी लोग परमेश्वर के करीब आना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के समीप में नहीं आना चाहते हैं, उसकी नजदीकता में नहीं आना चाहते हैं। तो हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे भाई बहन मुश्किलों में, कठिनाई में हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे, उसके बेटा बेटी उसके करीब में आए और उसके साथ संबंध बनाए, उसके साथ में मेल मिलाप करे। परमेश्वर की इच्छा है। और जब हम मुश्किल में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन खुदा ने बोला है, खुदा परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम मेरे समीप में आओ, मेरे नजदीक में आओ तो भी मैं तुम्हारे नजदीक में आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये बातें हमारे साथ करे। तो इसलिए आज मैं ऐसे 4 बातें आपके बीच में लेके आया हूं जिसके द्वारा हम कैसे परमेश्वर के समीप में आ सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के नजदीक में आ सकते हैं, ये हमारे लिए सीखना और जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संहिता उसकी 73:28 में लिखा है, परमेश्वर के वचन है, परंतु वहां लिखा वो वचन में कहता है, परंतु मैं यहोवा के उपहजूरी में न समीप में आना मेरे लिए भला है, कहता है। परमेश्वर के समीप में आना हम सबके लिए भला है। आज हम यहाँ पर प्रभु की हजूरी में इतने लोग हम यहाँ बैठे हैं, क्यों हम सब लोग ऐसे आए हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, हम परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं। इसलिए आज हम सब लोग सुबह के समय, भोर के समय उड़ते हुए खुदा के चरणों में आए हैं, हम करीब में आना चाहता है। कैसे हम खुदा के नजदीक हो सके, कैसे हम प्रभु को हम अपने खुश बना सके, प्रभु के नजदीक आ सकते हैं, इसलिए हम भोर के समय उड़ते हुए खुदा के चरणों में आए। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा, एक भजनकार ने भी कहा है, परमेश्वर वो कहते हैं कि प्रभु भजन संहिता 27 में ऐसा कहते हैं, उस 4 आयत में लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर के मंदिर में सदा सर्वदा बने रहना पाऊं। मैं उसके मंदिर मतलब उसकी हजूरी में, पुराना जमाना में मंदिर क्या होता था, वो लोग एक तंबू बनाते थे और वो तंबू के पास में खुदा की हजूरी में वो लोग जाते थे। इसलिए यहां पर परमेश्वर के वचन भी कहता है कि उसके तंबू में, उसके मंदिर में मैंने एक वर मांगा गया है कि मैं उसके भवन में इतना से लगे रहूं और उसकी हजूरी में बने रहूं। ये कितनी अद्भुत बातें हैं, इस समीप परमेश्वर के निकट आने के बाद हमेशा हर एक लोग परमेश्वर के वचन में कहा जा रहा है भाई बहन। इसलिए अभी हम कैसे प्रभु के समीप में आ सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, कैसे प्रभु के नजदीक में आ सकते हैं, कैसे उसके निकट में हम बन सकते हैं। मैं आज 4 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहली बात प्रार्थना। पहली बात, हमें परमेश्वर के समीप में आने के लिए प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। यदि प्रार्थना का जीवन नहीं है तो हम परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है, निरंतर तुम लोग प्रार्थना में बने रहो, मतलब परमेश्वर के निकट बने रहो, परमेश्वर के समीप में बने रहो, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए एक विश्वासियों को परमेश्वर के निकट में आने के लिए उसको प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। यदि प्रार्थना के बिना हम परमेश्वर में, परमेश्वर के समीप
नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। इसलिए परमेश्वर के निकट आते हैं। देखो जब जितने जितने हम नजदीक में होते हैं, किसी के नजदीक में होते हैं, उतनी हम सुनते हैं कि नहीं। यदि जितने आप प्रभु के करीब में होते हैं उतनी परमेश्वर भी आपकी आवाज को सुनता है, आपकी दुआओं को सुनता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना के द्वारा हम, पहली बात, हम निकट आए। दूसरे, बाइबल पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे उतना परमेश्वर को जानोगे, उतनी परमेश्वर के, जब किसी व्यक्ति को हम पहचानना है, जब हम नजदीक में आना है, उसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। यदि आप परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो, अब कौन है, तो जानना जरूरी है ना। तो इसलिए आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के वचन में, प्रवचन में लिखा हुआ, भजन संहिता 119 का 15 आयत में लिखा है कि वहां परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे उपदेश को ध्यान लगाए रहूं। उपदेश कौन है? परमेश्वर का वचन, व्यवस्था को, प्रभु के ज्ञान को मैं तेरे ऊपर ध्यान लगाए रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए भाई, हरे भाई बहन, परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं, हमें हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को मनन करना है, उसकी बातें सुनना है, तब हम परमेश्वर के जानेंगे और हम नजदीक आएंगे। किसी व्यक्ति के पास, हम अनजान व्यक्ति के पास हम नजदीक नहीं जा सकते हैं। अनजान व्यक्ति के पास में कोई भी नजदीक में नहीं जाता है। जब उसको जानेंगे तब उसके पास करीब में, नजदीक में होते हैं, उसके समीप में हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम लिखा है कि हमें परमेश्वर के वचन को हमें निरंतर जानना, उसकी वचनों को पढ़ना, और उसके वचन के पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक में हम आते हैं, परमेश्वर के नजदीक में हम हो जाते हैं। तीसरी बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, तीसरी बात वो हो कि उपवास रखना। परमेश्वर के वचन में लिखा, उपवास के द्वारा हमें परमेश्वर के नजदीक आना है। वचन में लिखा है उपवास। यदि आप योएल के किताब, जोएल के किताब में उसकी दो अध्याय के 12 और 13 आयत में लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि हमें अपने मनों में, अपने जीवन में उपवास करते हुए परमेश्वर के समीप में आना बहुत जरूरी होता है। मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं योएल के किताब उसकी 2 अध्याय का 12 और 13 आयत में, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते फिरते अपने पूरे मन से फिरो, फिर से मेरे पास आओ। प्रभु ने बोला, रोते हुए फिरते हुए मेरे पास आओ, और अपने वस्त्रों को नहीं अपने मन को फाड़कर प्रभु के पास आओ, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, विलंब से क्रोध करने वाला, करुण निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर के वचन में लिखा। भाई बहन, आज आपको प्रभु के पास में आना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग यहाँ पर एक दिन के उपवास भी नहीं रख सकते हैं, एक दिन भी परमेश्वर के लिए भूखा नहीं रह सकते हैं, तो हम कैसे परमेश्वर के समीप में आ सकते हैं? इसलिए प्रभु के कहता है, उपवास रखो और मेरे पास आओ। बाइबल में देखो, जितने भी प्रभु के लोग हैं, जितने भी प्रभु की आशीष को पाया है, चंगाई को पाया है, छुटकारा को पाया है, वो उपवास करके प्रभु के पास में आया, और प्रभु ने उनके लिए रास्ता खोल देता है। इसलिए आज आपको परमेश्वर के समीप में आने के लिए हमें कैसे आए? उपवास करते हुए। अब ये हमारे आने वाले शुक्रवार के दिन में उपवास प्रार्थना है, सभा है, हमने रखना है, कोशिश करनी है। कितने लोग को नहीं हो जाता है, कितने लोग नहीं सकते हैं, लेकिन हमने करना है उपवास प्रार्थना, तब परमेश्वर के समीप आना है। प्रभु के वचन हमें बता रहा है कि उपवास करते हुए प्रभु के समीप में आओ, प्रभु के वचन। और बाइबल में बहुत दफा उपवास के बारे में, तुम उपवास रखो, कोठरी में जाओ और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करो, समीप में जाओ, प्रभु के वचन में हम देखते हैं। तो इसलिए तीसरी बात, हमें उपवास करते हुए परमेश्वर के समीप में हम पहुंच सकते हैं। और अंतिम चौथी बात है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, आराधना करें, गीत भजन को गाए, अपने मन मन में परमेश्वर की आराधना करते रहे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं सच्चे आराधक लोगों को ढूंढ रहा हूं। परमेश्वर कहता है कि सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर चाहता भी है कि वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने को परमेश्वर पसंद करता है, उनके करीब में वो रहता है।
लिखा हुआ वचन में यदि यूहन्ना का किताब उसके 4 अध्याय और उसके 23 और 24 आयत में देखेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैंने ऐसी आराधक लोगों को ढूंढ रहा हूं जो आत्मा और सच्चाई में मेरी आराधना करते हैं। ऐसा नहीं कि बनावटे दिखावटी किसी के लिए नहीं, आत्मा और सच्चाई में मन फिराकर परमेश्वर की ओर हम आराधना करते हैं, परमेश्वर ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को। इसलिए मैं आज के सुबह भाई बहन आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर जो स्तुति में विराजमान सी होने वाला परमेश्वर है, वो आराधना को प्रसन्न करने वाला खुदावन है। आपकी उपस्थिति उसके जब उसके करीब में आते हैं आप गीत गुनगुना सकते हैं, उसको भजन कर सकते हैं, उसकी मन से उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है और ये चीजें आपको परमेश्वर के नजदीक में लेके जाता है। जैसी प्रार्थना की बातें आपको कभी कभी नहीं दिल करता है, लेकिन ये चीजें परमेश्वर के नजदीक लेके जाता है। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, और ये जानने के बाद हम उसके करीब में हो जाते हैं, प्रभु के वचन कहता है, और हम उपवास बैठकर उसके करीब में आते हैं और आराधना करके। ये 4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं हमारा मसीह जिंदगी के लिए। जब हम ये चीजें सीखते हैं हम परमेश्वर के नजदीक हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जो मुझे ढूंढते हैं वो पाते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा। और जो प्रभु के वचन बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 56:6 में लिखा हुआ है, और वो मेरे निकट में आते हैं। परमेश्वर के निकट में आना है हमें। बताओ यदि हम हिब्रू का किताब उसके 10:22 में देखें और वो उसके समीप में आओ, परमेश्वर का वचन मिलता है। अपना विश्वास करके प्रभु के सच्चाई मन से प्रभु के समीप में आओ, प्रभु के वचन में बताया जा रहा है। इसलिए आज सुबह मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर के समीप में बढ़ना है, हमें पीछे होना नहीं है, बढ़ना है हमें आज उसके नजदीक में। कैसे भी हो, प्रार्थना करके, उपवास करके, प्रभु वचन पढ़ते हुए और आराधना करते हुए प्रभु के समीप में हमें बढ़ने का समय आया है। इसलिए प्रभु चाहता है मेरे बेटा बेटी मेरे नजदीक में आए, मेरे समीप में आए, प्रभु की इच्छा आए। यही वचन के द्वारा मैं आज के सुबह की आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, और हमें परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर के नजदीक में आने की जरूरत है। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह। आगे